आपसे हम जानना चाहेंगे। गुड शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो वहाँ भी कभी ड्रेस देख लिए, चाहे कोई पूछ लिया ब्यूटी के बारे में, चाहे हेयर्स के बारे में, तो मैं अपने एनसी के बारे में बता दूँ। ऐसे ऐसे काफ़ी लोगों को मैंने ज्वाइन कर रखा है। और हमारी आईएनसी में जुड़ने से पहले 9 साल पहले इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी कि हमारा खाना पीना भी बड़े मुश्किल से चल रहा था। और मेरा बेटा एडमिशन के लाइक हो गया था कि स्कूल में एडमिशन कराए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका स्कूल में एडमिशन करा सके। तो मेरे घर के पास मंदिर था, उसमें आंगनवाड़ी था। मैं बोली चलो कुछ टाइम तो यहाँ बैठ, कम से कम बैठना तो सीखेगा। वहाँ उसको छोड़ के आई। जब मैं लेने गई तो लंच बॉक्स में उसको आंगनवाड़ी में खिचड़ी दिया, और वहाँ पे झुग्गी के बच्चे थे, और मैं वहीं पे मैं छोड़ के आई बच्चों बेटे को। जब लेने गई तो मेरा बेटे को पसंद नहीं आई खिचड़ी, वो दिखाए मम्मी देखो मुझे ये मिला है। वो देख के मेरे आँखों में इतना आंसू, इतना दिल भर आया कि मेरे बच्चे का मेरा सपना था कि मैं जो मेरा बेटा जो उसे पढ़ा लिखा दे, सिर्फ मैं अपने बुढ़ापे की वो सेवा के लिए नहीं कर रही, मैं देश के भी काम आए वो इस लाइक बनाओ। लेकिन जब मुझे वहाँ पे रखना पड़ा बेटे को तो बहुत मुझे मन में बहुत दुख हुआ। फिर मैं वही मंदिर था, भगवान के आगे हाथ जोड़ी और मैं अपने बेटे को लेके सीधे प्राइवेट स्कूल में चली। जब प्राइवेट स्कूल में गई तो वहाँ था एडमिशन चार्ज 1600 रुपये और मंथली फीस 800 रुपये। मैं घर पे आई, मैं हस्बैंड को बताई भी थी, और वो कहते लेडीज थोड़ा थोड़ा बचाती है तो मुझे पैर छूने के हमारे यहाँ बड़े लोग आशीर्वाद में पैसे देते हैं, तो वो पैसे भी इकट्ठा करके रखती थी। जब सारा निकाली तो 1700 रुपये निकले मेरे, तो वो 1700 रुपये बिना बताए हस्बैंड को मैं एडमिशन करा दी। लेकिन अगले महीने मैं 800 रुपये कहाँ से लाऊंगी ये मुझे पता नहीं था, पर मैंने एडमिशन करा दिया। और जब आके बताई तो हस्बैंड बोले अब 800 रुपये तुम तो करवा दिए, 800 रुपये कहाँ से लाएंगे हर महीने का, तो उन्हें देखा जाएगा हम आधे पेट खाएंगे, जो भी खाएंगे हम ये करेंगे। लेकिन किस्मत से भगवान की कृपा से हमें अशोक भाटिया सर मिले उसी टाइम, और आईएनसी में काम चालू कर दिया। और मेरे हस्बैंड का पहले महीने का चेक आया 800 रुपये का, 1000 बने, लाख बने, अब करोड़ों बन गए। और वो ही जो मैं 800 रुपये के लिए सोच रही थी, अब मैं वही बेटे का 1 लाख रुपये मंथली फीस देके अभी इस तरह बढ़ा रही हूँ। मैंने भी पूरा सपोर्ट हस्बैंड का किया, कभी भी हम मैंने उनको प्रॉमिस के लिए रोका नहीं कहीं जाने के लिए। वो बेटा बहुत मेहनत की है बाहर फील्ड में, और मेरा भी सपोर्ट रहा कि कभी मैं बीमार भी रही हूँ चाहे बच्चे बीमार रहे हैं, उस चीज़ के लिए मैंने उनको रोका नहीं। आप बोले फ्री आप काम करो, और मैंने सब घर संभाला। एक बार तो मेरा इतना तबीयत खराब था कि मुझे किसी को चलने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी हस्बैंड की। लेकिन एक हैदराबाद से और बिहार से हमारे आईएनसी वहाँ जाना था लुधियाना, वो बोले मैं देखूंगा उसके बाद ही मैं काम चालू करूँगा, और वो आ चुके थे दिल्ली में। फिर ये मना कर दी कि मेरी वाइफ का ज़्यादा, मैं बोली नहीं मैं कर लूँगी पर आप जाओ, वो लोग दूर से आए। और वाकई में उनको लेके गए, वो लोग अभी अम्बेसडर है, क्राउन प्रेसिडेंट है, और शायद इसीलिए कहते हैं महिलाओं को लेडीज को कभी हस्बैंड को रोकना नहीं चाहिए, अगर वो रोक दी तो उसकी कामयाबी को रोक दी। अगर शायद मैं उनको स्टैंड रोक देती तो उनकी आज जिस लेवल पे वो पहुँच नहीं पाते। तो महिला को कभी भी हस्बैंड को रोकना नहीं चाहिए, उनकी कमजोरी नहीं बनना चाहिए, उनकी ताकत लगनी चाहिए। मैंने भी कभी उनको रोक टोक नहीं किया है, पूरा घर संभाला है, बच्चे संभाला है, और घर पे भी रहकर मैं बिजनेस में जुड़ी रहती हूँ उनके साथ, किसी न किसी को ज्वाइन कराती हूँ। एक फ्रेंड मेरी ये फैक्ट्री है जो गोल्ड स्टार है, बिजनेस के बारे में बताती हूँ जैसे हम मैं आगे बढ़ी, मेरे सपने पूरे हुए, सबके पूरे हो। और जो फील्ड में महिला है वो तो समझो झांसी की रानी है, वो यहाँ फील्ड में उतर आई है। वही कहते हैं कि झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी है, जो फील्ड वाली है वो अपनी गरीबी दुखी दुखों के खिलाफ लड़ रही है। तो वही अपना नाम कमाते जाए, वही अगर कहीं और जाएगी तो बस पैसे कमाएगी, लेकिन यहाँ काम करेगी तो अपना झांसी की रानी की तरह अपना नाम भी छोड़ के जाएगी वो, और पैसे भी कमाएगी, अपनी गरीबी को भी दूर करेगी। हमने 9 साल में बता नहीं सकते, यहाँ तक हमारा सपना भी नहीं जाता था, इतना कुछ पा लिया। 3 करोड़ के घर में मैं रह रही हूँ अभी, 4 लग्जरी कार है मेरे पास,
और 3 करोड़ का भी हमने एक साल पहले बिहार में कैश 3 करोड़ का जमीन खरीदा है और बहुत अच्छा घर आलीशान हमने बिहार में ही बनाया है। किसी चीज़ की कमी नहीं और IMC माने की वजह से और बड़े बड़े सपने भी बन गए हमारे। अगला कराया जाने के बावजूद मेहनत को
सबलता प्रदान करती है। जरा सोचिए नारी अपना कैसे हुई, वह तो सबल है क्योंकि वह माँ बहन बेटी मित्र पत्नी बनकर हर भूमिका को यथार्थ रूप देने में सबल है। नर के जीवन में नारी चित्रकार अथवा शिल्पकार की भांति है। शर्ट के टूटे हुए बदन से लेकर टूटे हुए आत्मबल को नारी ही जोड़ती है। आपकी कंपनी IMC में नारी जाति को समर्पित IMC नारी दिवस हर वर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है। निडर स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता जी का 25 मार्च को जन्म दिवस होता है, जिन्होंने मात्र 22 वर्ष की आयु में सन 1942 में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता लाने के लिए खुफिया रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। आदिवासी महिलाओं के उत्थान विकास को समर्पित समाज सेविका किशोरी सिन्हा जी का जन्मदिन 25 मार्च है। निष्पक्ष न्याय के लिए विख्यात न्यायमूर्ति सोनिया भट्ट जी का जन्म दिवस 25 मार्च है। समस्त आयोजित परिवार के लिए गर्व की बात है कि नारी सशक्तिकरण के प्रतिक्रमक श्रीमती अंशुल भाटिया जी का जन्म दिवस भी 25 मार्च है। आपकी कंपनी IMC भी 25 मार्च को IMC नारी शक्ति दिवस के रूप में मनाया करती है। तो आइए आज 25 मार्च को हम नारी शक्ति को नमन करें एवं नारी शक्ति दिवस मनाएं। दोस्तों, जब भगवान ने दुनिया को बनाया होगा एक बात से जरूर गर्वाया होगा, कैसे तुम्हारा ख्याल इतनी परियों का तब उसने सबके लिए IMC को बनाया होगा। नादान है कि जो नारी का अपमान करते हैं, नारी अनमोल रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, इस संसार का तुम आधार हो, नफरत के माहौल में तुम ही तैयार हो, औरत की ताकत इतनी है उसे मकान दो तो घर बना देती है, उसे अनाज दो तो खाना बना देती है, प्यार दो तो जान लगा देती है, इज्जत दो तो सिद्धम उठा देती है। उठो अपने अस्तित्व को संभालो, जागो अपनी शक्ति को पहचानो। IMC नारी शक्ति दिवस पर समस्त IMC परिवार की तरफ से प्रत्येक नारी को हम नमन करते हैं तथा हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। संदेश है कि केवल आज ही नहीं हमेशा नारी शक्ति का आदर कीजिए।
क्योंकि नारी शक्ति ही है, बस जरूरत है उस शक्ति को पहचानने की। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, नारी एहसास का विषय है, सहानुभूति का नहीं। आज आईएमसी परिवार नारी शक्ति दिवस मना रहा है, ये मेरे लिए बहुत गर्व और हर्ष का विषय है। अधीन नहीं, स्वाधीन है आईएमसी नारी, असंभव को संभव बनाती आईएमसी नारी, अबला नहीं सबला है आईएमसी नारी, आईएमसी परिवार का आधार है आईएमसी नारी। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आईएमसी। नारी शक्ति के प्रति श्रीमती अंशु भाटिया जी को उनके जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक बधाई और समस्त आईएमसी नारी शक्ति को नारी शक्ति दिवस के उपलक्ष्य में ढेरों शुभकामनाएं। सेलिब्रेट करते रहे और आपके चेहरे पे हमेशा इतनी सुंदर मुस्कान हमेशा बनी रहे।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड आई थी, गुड आई थी। सभी लोग आज सेल्फी खींच रही हूँ मैम, आप भी आ जाओ, सभी फीमेल्स आगे आ जाओ, आप भी आ जाओ, सभी आओ, इधर देखो केक से, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर आओ, इधर आओ, मैम इधर देखो, अरे प्रमेय सर थोड़ा यहीं रुक जा, ऐसे कितनी गुड आइम्स ही बोली है सब, गुड आइम्स।